नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हरियाणा में चुनावी शंखनाद हो गया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सिंगल फेज में हरियाणा में चुनाव संपन्न होगा। 4 अक्टूबर को परिणाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो हरियाणा में 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट आनी है। जाहिर है कि चुनाव का ऐलान समय से पहले हुआ है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे एक बार फिर से तेज कर दिए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि 4 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से बाहर हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो सुनवाते हैं आपको हरियाणा चुनाव का शेड्यूल, तारीखों का ऐलान जिस तरह से किया गया कि चुनाव आयोग की ओर से मनोहर लाल क्या कह रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा की ओर से क्या कहा गया, उदय भान क्या दावा कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। द शेड्यूल ऑफ हरियाणा, हरियाणा वुड बी इन द लास्ट फेज एग्जैक्टली कंसाइडिंग विद द थर्ड फेज ऑफ J&K, नॉमिनेशन बीइंग ऑन 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number इन द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, ST 0 और SC कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 करोड़ इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख PWD और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। पोलिंग स्टेशन अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे और जिसमें लोकेशन आधी होंगी, यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज, यानी एक जगह पर दो बूथ या तीन बूथ होंगे क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज में 7,000 के लगभग और रूरल एरियाज में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशन होंगे। यहां भी हम लोग यूथ PWD वीमेन मैनेज्ड बोर्ड्स बनाएंगे। एंड जिस दिन हम J&K गए थे उस दिन सबसे बात की, सबको थोड़ा ताकीद किया और उसी दिन एक बड़ा सीजर भी हुआ हमारे सामने ही। सो दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू। द मैनेज ऑफ ड्रग्स इन आइदर ऑफ दीज टू स्टेट्स, J&K और हरियाणा, वुड बी सीवियरली डेल्ट विथ। एंड सिमिलरली दी लिकर, सभी पोलिंग स्टेशन पे इस बार हमने 100% CCTV की व्यवस्था की है और इस हिसाब से आज जो घोषणा हुई है मैं उसका स्वागत करता हूं। और जहां तक हरियाणा की बात है, मैं हरियाणा में आप लोगों को दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार के गलत काम 10 साल की अपनी सरकार में किए थे वो आज भी जख्म जो है वो भूले नहीं है हरियाणा की जनता। हरियाणा की जनता को सारे जख्म याद हैं जो 10 साल पहले अपनी 10 साल की सरकार में उन्होंने दिए थे। उस समय जो भी लोगों का जो भय था, लोगों के मन में एक अविश्वास था, लोगों को जो एक अंधेरगर्दी दिखती थी, लोगों में जो धींगा मस्ती करने वाले लोगों का जो एक शासन दिखता था, आज भी जब लोग उसको याद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक कंपन शुरू हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही विषय आ जाए। तो इस संबंध में जनता जागरूक है और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमारी पूरी टीम एक्टिव है, हमारे नए मुख्यमंत्री और हमारे जितने भी केंद्र के नेता हैं, हमारे प्रभारी हैं, वो सब लगे हैं। 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार, क्योंकि ये जो सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, इन्होंने एक भी कोई जनहित का कार्य नहीं किया और ये पोर्टल की सरकार थी और पोर्टल सारे इनके फेल, चाहे वो कि परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरा फसल मेरी ज्यौरा हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, केवल
भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि उन्होंने आज जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है, हरियाणा प्रदेश की जनता जो इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बहुत ज़्यादा त्रस्त थी, इससे बहुत जल्दी राहत चाहती थी, आज उनकी भावना के अनुरूप फैसला हुआ है। इस समय सबसे पहले कैंडिडेट सिलेक्शन का भी समय है कि बिल्कुल मेरिट पर जिताऊ और टिकाऊ बेहतर कैंडिडेट को हम लेकर के आएंगे और पूरी तरह से हमें विश्वास और भरोसा है कि 2/3 से अधिक बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, सारी पार्टियां दावा कर रही जीत का, बीजेपी हैट्रिक का, तीसरी बार सरकार बनाने का, इतिहास रचने का दम भर रही है। कांग्रेस के अलग अलग नेता कोई 70 पार 75 पार, इस तरह के नारे कांग्रेस नेताओं की ओर से भी दिए जा रहे हैं। चर्चा हम करने वाले हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। राजवीर सिंह रोहिला हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी है। योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस, अजय गुलिया प्रवक्ता जेजेपी और विजेंद्र रेडू प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। सिहाग जी, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। हुड्डा साहब इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि आज भी अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है, तो अब तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, कैसी और किस तरह की तैयारियां अब तक चुनाव को लेकर? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज के दर्शकों को और सभी प्रवक्ताओं को मेरी नमस्कार, राम राम। और देखिए, आज हरियाणा के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज जो हरियाणा में चुनाव डिक्लेयर हुए हैं हरियाणा वासियों के लिए और ये कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि पिछले जो 10 साल का जो कुशासन था, आज उससे एक तरह की कुछ एक जो आशिक मुक्ति मिल गई है आशिक तौर पे, क्योंकि आज जो है आप देखिए कि अब पिछले 15-20 दिन से तो बिल्कुल नायब सैनी सरकार अपनी हार निश्चित हार मान के बिल्कुल झूठी घोषणाएं, कुछ भी उनमें कोई दम नहीं, कोई धरातल पे कुछ भी उनपे ये नहीं, काम नहीं हुआ। आप 9.5 साल तक कहां थे प्रदेशवासियों ने आपको, आप चाहे किसानों की बात हो, कर्मचारी की हो, हर वर्ग को आपने लाठियों गोलियों से पीटने का काम किया है। और जहां तक देखिए, आज एक और एक बड़ी बात निकल कर आई है, सुबह जब अचानक ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये अंदेशा हुआ और टीवी चैनलों पर चली ये खबर कि बहुत हरियाणा के चुनाव 3 बजे घोषणा हो सकती है, तो देखिए ज्योति जी, उसमें हमारे मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर है और उनकी एक स्टेटमेंट आती है कि हरियाणा का चुनाव डिक्लेयर नहीं हो रहा, तो उसमें जो एक कहीं ना कहीं जो तालमेल का अभाव है सरकार, मतलब इसको लेकर मुझे लगता है सरकार के पास ही इनपुट्स नहीं थे कि चुनाव की आज हरियाणा की घोषणा होने वाली है। तो ठीक है, विपक्ष को तो ये लगता रहता है ना कि सरकार के इशारे पर ही चुनाव आयोग चलता है, आप लोगों को तो ये लगता है? तो ठीक है, इस बात से तो पुष्टि होती है ना कि चुनाव आयोग तो अपने ढंग से अपने तरीके से काम कर रहा है। देखिए, मुझे इसमें कुछ और भी अंदेशा लग रहा है, क्योंकि जहां तक जो सोशल मीडिया पर कई तरह की घटनाएं आ रही है कि अब खट्टर साहब और नायब सैनी जी के बीच में भी वो तालमेल नहीं रहा, क्योंकि देखिए कुर्सी बहुत कुछ खेल करवा देती है। आज इस तरह की भी जो चर्चाएं है आई है, क्योंकि एक सीएम की ये स्टेटमेंट आना कि चुनाव अब आज डिक्लेयर नहीं हो रहे, एक अपने आप में बहुत कुछ बात कह रही है। और जहां तक देखिए, कांग्रेस पार्टी आज इस घोषणा का स्वागत करती है इलेक्शन कमीशन की का, और हरियाणा के लोगों को कम से कम ज्यादा नहीं तो एक महीना पहले राहत मिलने की उम्मीद है इस जन विरोधी सरकार से, जैसा अभी हुड्डा साहब बोल रहे थे, जो पोर्टलों की सरकार है और जिसने हर आदमी का मतलब परेशान करने का काम किया है, सिर्फ न्याय किसी भी वर्ग को नहीं मिला। तो अब चूंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और उसकी हरियाणा मांगे हिसाब पूरे प्रदेश में यात्रा चल रही है और उसके पूरे प्रदेश में जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। आज भी मैं अभी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही लौट कर आया हूं, तो वो भी हमारा बूथ मैनेजमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं अलग अलग, जो तो क्योंकि एक एक जो वोटर को जागरूक करने के लिए हमारे प्रोग्राम
चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फील्ड में उतरी हुई है और आज की इस घोषणा से कांग्रेस जनों को और ज्यादा मोटिवेशन और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। रोहिला जी, क्या हुआ? सीएम तो बार बार ही कह रहे थे समय पर चुनाव होंगे, समय पर चुनाव होंगे। आज जब हम ये खबर बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा के चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है, तब भी सीएम की ओर से कहा गया कि समय पर चुनाव होंगे। कौन ये कह रहा है कि चुनाव जल्दी होंगे? अब सिहाग जी इसमें कुछ और बात की ओर इशारा कर रहे हैं, मनोहर लाल और नायब सैनी को लेकर। राम राम। ज्योति जी, अभी जो कांग्रेस के मेरे साथी सिहाग साहब ये कह रहे थे भाई चुनाव आयोग में सवाल खड़े कर रहे थे, क्रेडिबिलिटी में सवाल आते हैं, फिर बाद में ये पारदर्शिता है चुनाव आयोग की, उसकी मर्जी है। उसने कश्मीर का दौरा किया, हरियाणा का दौरा किया और अपने बूथ का आधार पर चुनाव घोषित कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वो हरियाणा में है, वो स्वागत करता है और तैयार अपने चुनाव के लिए तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। रही बात नायब सैनी की स्टेटमेंट, तो ये तो है कि आप एक मान के चलो, ऐसा तो नहीं कि आप लोग तो चुनाव से पहले की तैयारी कर रहे थे कि टाइम से पहले अगर चुनाव हो जाते हैं, और विपक्ष को आप लोग कंफ्यूजन में रख रहे थे कि टाइम पर ही होंगे? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या नेतृत्व है हमारा, तो 24/7 हम चुनावी मोड में रहते हैं। हम तो जिस दिन चुनाव का रिजल्ट घोषित होता है उससे अगले दिन हम शुरू हो जाते हैं अपनी तैयारियों के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए। तो ये तो हमारी प्रैक्टिस चलती रहती है। आज भी हमारे मोहनलाल गुड़ौलती सफेद भाग्य गए हैं, नरेंद्र भाग्य गए हैं, तो ये हमारा रूटीन का कार्य है। क्योंकि जब कोई राजनीतिक अध्यक्ष में काम करता है वो संगठन के हिसाब से काम करता है, तो आदेश कार्यकर्ता को फॉलो करते हैं। अजय गुलिया जी, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब जबकि विधानसभा चुनाव में जाने का वक्त आ गया है, कुछ माहौल बदला है क्या आपकी पार्टी के लिए? क्योंकि आज जब चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, पूर्व मंत्री अनूप धानक की ओर से सभी पदों सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया गया है, ये भी बहुत अच्छे संकेत नहीं है पार्टी संगठन के लिए? नहीं देखिये दोस्तों, की कोई भी पुराना साथी थोड़ी प्रकार का निर्णय लेकिन उन्होंने किस संदर्भ में निर्णय, हो सकता है की अनूप धानक जी का भी सबसे तो उनकी बाईपास हुई है या फिर उसको लेकर के क्या उनसे बात होगी तो उसके बाद स्पष्टीकरण दे पाऊंगा, लेकिन सख्ती में जरूर कह देता इसको कह दे रहा है हमें हमारा प्रदर्शन था तो बात पूरे स्वीकार करने की और वो करने की नहीं है, ये सबको सामने है, ये पब्लिक डोमेन है। लेकिन कुछ ऐसे ही रिजल्ट लोकसभा के हमारे 2019 में भी आए थे, लेकिन ठीक उसके बाद विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का माहौल बना पार्टी का और लोगों ने 10% वोट अच्छे दिए। नहीं नहीं, 2019 में इतने खराब नहीं थे, तब हिसार में एटलीस्ट आप लोग दूसरे नंबर पर थे, इस बार तो कहीं जमानत नहीं बची। नहीं ज्योति जी, देखिए खराब तो थे 10 के 10, इतने खराब तो कभी नहीं रहे होंगे, बहुत खराब थे तो तब तो ठीक है, पार्टी बनी उसके 10 महीने बाद आप लोगों ने 10 सीटें भी जीती, ठीक है वो अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन इस बार तो तमाम दिग्गज आपकी पार्टी के हम बात करें कहीं भी जमानत नहीं बचा पाए, शर्मनाक प्रदर्शन किसी भी पार्टी के लिहाज से जो कहा जा सकता है वो आप लोगों का रहा। देखिए तो मैं एक चीज मानता हूँ, ये लोग किसके हमारे ये लोग हैं, ट्रकों पे बैठाया, ये लोग नाराज हो गए तो अर्ज से फर्ज तो ले आए, ये लोग दोबारा गले लगा लेंगे तो सत्ता के शिखर तक भी पहुंचाने का काम करेंगे, ये लोग किसके हैं? हमारे लोग हैं, नाराज किससे होंगे? हम सही होंगे, कोई कमी भी रही होगी, हमसे भूल भी हुई होगी, कोई जब 4.5 साल दूसरे युग मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, फैसले गलत हुए होंगे तभी तो लोग नाराज हुए, फैसलों को दुरुस्त करेंगे, दोबारा लोगों के बीच में जाएंगे, अपने किए हुए काम बताएंगे, ये हमारी कमियां रह गई और ये काम हम लोगों ने आपके लिए किया और आप वोट के रूप में आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आगे और बेहतर करने का काम करेंगे और गलतियों को मिनिमाइज करने का काम करेंगे और उपलब्धियों को मैक्सिमाइज करने का काम। बिल्कुल गलतियां रही हैं, इस बात को स्वीकार भी करता हूं मैं, कोई इसमें गुरेज नहीं है दो तीन पंक्तियों को स्वीकार करने, लेकिन हाँ देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो माहौल अलग होता है और विधानसभा के चुनाव जब होते हैं तो माहौल अलग होता है। अच्छा प्रदर्शन करने की हमें आशा है, उम्मीद है, लोग बीच में जाएंगे वोट मांगेंगे, फाइनल निर्णय तो हरियाणा प्रदेश के वोटरों ने लेना है, हम तो उनसे वोट की अपील करेंगे, वोट के रूप में उनका आशीर्वाद मांगेंगे, अपने किए हुए काम गिनाएंगे। दुष्यंत जी के 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे और जिस प्रकार का मैंडेट लोग देंगे हरियाणा प्रदेश से उसको शर्मा से स्वीकार करेंगे। दो तीन
रेड साहब, आप कई डिबेट्स में कहते हैं कि हाथी चश्मा लगाकर चलेगा, सत्ता में आएंगे, क्या वाकई चश्मे से कुछ भविष्य नजर आ भी रहा है या फिर नहीं? क्योंकि 20 साल हो जाएंगे आप लोगों को, और 20 साल किसी भी पार्टी को सत्ता से जाए अगर हो जाते हैं, तो बहुत सारे नए वोटर्स जिन्होंने चौटाला राज चौटाला सरकार नहीं देखी, या बहुत सारे वो भी युवा रहे होंगे जो बहुत छोटे, जिनकी अपनी समझ या विवेक सरकार को लेकर नहीं रहा होगा, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं आप लोगों के सामने। कैसे नए वोटर्स को, नए लोगों को साथ लाना है, कैसे जो पुराने छोड़कर चले गए थे उन्हें खुद से जोड़ना है? बिल्कुल ज्योति जी, आपने सारी बातें बिल्कुल सत्य कही हैं और मैं सभी बातों को मानता हूं। 20 साल हो गए हम सत्ता से बाहर हैं, और 20 साल तक पार्टी सत्ता से बाहर होते हुए जिसने वो दिन देखे हैं जब पार्टी में टूट पड़ गई और पार्टी का विभाजन हुआ और पार्टी एक सीट पर 2019 में आ गई। आफ्टर दैट पार्टी ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और ग्रोथ भी किया, हमने ग्रोथ भी किया, हालांकि इलेक्शन राष्ट्रीय इलेक्शन थे, कम ग्रोथ हुआ, लेकिन फिर भी ग्रोथ हुआ, हम नीचे नहीं गए 2019 से, हम पॉजिटिव में आए हैं। नहीं रेडू साहब, क्या पॉजिटिव में आए हैं? निसंदेह के 2024 का जो ये चुनाव, एक आप लोग भी क्या ही पॉजिटिव में आए हैं? देखिए, जब हमारा 2019 इस बार तो अभय खुद भी चुनाव अभय नहीं लड़ 2019 का जो हमारा लोक 2019 में जो हमारा लोकसभा का वोट परसेंटेज था, उस 2024 में हमारी बढ़ोतरी हुई और 2024 लोकसभा चुनाव में हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं, जबकि 2019 में हम चौथे पांचवें नंबर पर चले गए थे और आज हम तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन। तो ये हमारा ग्रोथ हुआ, हालांकि वोट परसेंटेज कम कुछ बढ़ा भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव थे इसलिए लोगों ने वहां पर हमारे को परसेंटेज बढ़ाया। इसी से दिल समझा रहे हैं तो पिछले विधानसभा से बेटर थोड़ा बहुत भी कर लेंगे, उसमें भी आप दिल समझा लेंगे। कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट परसेंट हरियाणा में रहा, उसके बाद लगता है तीसरे नंबर की कोई गिनती है हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर? हाँ बिल्कुल ज्योति जी, जो भी वोट परसेंटेज हमारे को देगी प्रदेश की जनता, हम उससे अपना दिल समझा लेंगे, निसंदेह अपना दिल समझा लेंगे, लेकिन जनता हमें ज्यादा वोट परसेंटेज देगी इसका हमें विश्वास और भरोसा है। क्यों देगी? नंबर एक बात देखिए ज्योति जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं ये करता हूँ, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी और नंबर तीन की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में चुनाव में उतरने जा रही है। तो जहां तक कांग्रेस की मैं बात करूं ज्योति जी, कांग्रेस यहां कितने भी बड़े बड़े मैनिफेस्टो बनाने की बात करे, कांग्रेस से प्रदेश की जनता ये जानेगी कि जहां आपकी सरकार है, आप यहां कह रहे हो हम 5,000 की पेंशन लागू करेंगे, हम करोड़ों आवास बना करके देने का काम करेंगे, हम ओपीएस लागू करने की बात करेंगे आदि आदि आदि, तो हम ये जानना चाहते हैं प्रदेश की जनता इनसे ये पूछेगी, ये हिसाब मांगेगी इनसे कि जहां आपकी सरकारें हैं आपने वहां तो लागू किया नहीं, आप हमारे हरियाणा प्रदेश में लागू करने की बात करते हो, आखिर ये दोहरी नीति क्यों अपना रहे हो, पहले वहां लागू कीजिए फिर यहां आकर के बताइए, देखिए हमने उन प्रदेशों में ये सुविधा दे दी है तो यहां भी मिलेंगी, इसलिए हमें वोट देने का काम करें। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है वहां सुविधा नहीं दी तो यहां कैसे दे देंगे, केवल बहका करके वोट लेने का काम करते हैं। नंबर एक बात, नंबर दो बात, जो कांग्रेस का राज गया था 2010 में 14 में, उस टाइम जो फैसले ये करके गए थे वो आज भी याद है, चाहे वो अदर बैकवर्ड आरक्षण का आधा अधूरा फैसला करके गए थे, चाहे कितने बड़े बड़े लैंड स्कैम, 72,000 एकड़ की लैंड स्कैम हुआ, और ये नेशनल हेराल्ड का स्कैम कितना बड़ा है, नौकरियों में किस प्रकार से करप्शन छाया था, और सबसे बड़ी बात ज्योति जी बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गैस का सिलेंडर भी ब्लैक में मिला करता था कांग्रेस राज में, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ करता था, गैस का सिलेंडर के लिए लाइनें लगती थी और 100-200 रुपए एक्स्ट्रा दे करके गैस का सिलेंडर मिलता था खाना बनाने के लिए भी, और प्रदेश की जनता को सारी ये बातें याद है, प्रदेश की जनता नहीं भूली है। जहां तक मौजूदा सरकार की ज्योति जी मैं बात करूं, ये जिस प्रकार से लगातार घोषणाएं कर रहे हैं इसका एक सीधा सा असर प्रदेश की जनता में चर्चा है इस बात की कि मनोहर लाल गवर्नमेंट ने फैसले किए और नायब सैनी सरकार उसको पलटने का काम कर रही है, इसका मतलब जो 9 साल तक उन फैसलों को प्रदेश की जनता ने भुगतने का काम किया वो सारे के सारे गलत थे और चुनाव के लिए इनको पलटा जा रहा है। चुनाव होते ही यदि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बन जाती है तो
दोबारा से ये सारे फैसले कहीं दोबारा लागू ना हो जाए, इसलिए प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं असमंजस्य में है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे या ना दे, कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं होता। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं ज्योति जी, मेरा जिला जींद डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर हमारे सिविल हॉस्पिटल में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर है, आज भी केवल रेफरल सेंटर ये बना हुआ है। यहां हमारे पास सर्जन नहीं है, लेडीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, आईज के ऑपरेशन नहीं होते हैं, इमरजेंसी के ऑपरेशन नहीं होते हैं। 15 दिन से तो यहां पर हड़ताल कर रखी है। जो मेडिकल स्टोर है सरकारी, वहां पर दवाइयां नहीं मिलती है। डॉक्टर 3 दवाई लिखता है, कहते हैं एक से ही काम चला लो, बाकी 2 नहीं मिलती। इससे बुरा हाल एजुकेशन का बना हुआ है। हमारे जिला जींद में लगभग 135 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 75 हाई स्कूल है और 150 के करीब प्राइमरी स्कूल है। उन सभी में मैं कहता हूं कि 25-35% में तो हेड नहीं है, 25-40% वैकेंट पोस्ट पड़ी है। तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, आप व्यवस्था नहीं है, आप भी कह रहे हैं इनको चुनावी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जाएंगे, ये आप कह रहे हैं। सियाग जी को कुछ कहना था, साथ ही मेरा सवाल भी है आपसे। लोकसभा में ठीक है, आप लोग 0 से 5 पर आ गए, ये मुझे देखिए मेरी आवाज वापस आ रही है, ये शायद स्पीकर पर तो नहीं किया आपने फोन सियाग जी, लेकिन उसके बाद जो हुआ है लोकसभा के बाद, बीजेपी ने जो नए ऐलान किए हैं, नई घोषणाएं की हैं, आप उसमें सरपंचों की बात कर लें, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी जो बनाई गई है, ओबीसी पर सरकार जितना फोकस कर रही थी, तो जितने तमाम कदम उठाए गए हैं, आपको नहीं लगता है कि उससे जो मोमेंटम आप लोगों का बना था लोकसभा चुनाव में, उसमें कोई ना कोई दिक्कत परेशानी जरूर आई होगी? नहीं देखिए ज्योति जी, मैं समझता हूं उससे तो जो हमारा मोमेंटम है और ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो कहीं ना कहीं फिर भी वोटर्स को लग रहा था, क्योंकि देखिए मीडिया भी और भी बहुत से लोग जब हमारी 1-2 सीट बताते थे, लेकिन अब तो जो हमारा मोमेंटम इतना बढ़ गया, क्योंकि लोगों को और खुद नायब सैनी जी ने स्वीकार कर लिया एक तरह से नैतिक रूप से, जब उन्होंने 9.5 साल तक तो कुछ भी पब्लिक का काम किया नहीं जनता का, और आज आप हर वर्ग को सिर्फ वो घोषणाएं इंप्लीमेंट नहीं होनी, सिर्फ झूठी घोषणाएं करके उन्होंने और ज्यादा हमारे लिए रास्ता आसान कर दिया है। अब आप देखिए कोई भी आप ऑर्डिनेंस लाके आपको वो पास कराना होता है विधानसभा में, आज जितने ये लेके आए थे सबको पता है ये सारी जो हमारे कुछ घोषणा पत्र में से इन्होंने चुराई कुछ बातें, और केवल झूठी घोषणाएं करी लेती है। हम विभागीय फैसलों के नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, सरकार कोई ऑर्डिनेंस लेकर नहीं आई, सरकार कोई कानून नया नहीं बना रही है, सरकार कैबिनेट में जो फैसले ले रही है, सरकार ने जो फैसले लिए उनकी अधिसूचना जारी की गई है। एचकेआरएन पे ऑर्डिनेंस लेके आई, एचकेआरएन पे कानून बनाया ना जी, मैं कुछ एचकेआरएन की बात कर रहा हूँ, उसमें ऑर्डिनेंस लेके आई, और जो विभागीय फैसले हैं वो भी आप देखिए कि 9.5 साल तक सरपंचों को इन्होंने भ्रष्टाचारी बताया, अब ये कह रहे हैं कि वही फैसला खट्टर साहब का पलट दिया। एक बात तय होगी कि 9.5 साल का खट्टर साहब का शासन बिल्कुल बिल्कुल जनता के हित में नहीं था, और आप लोगों ने एक और बात एक्सेप्ट कर ली कि जब खट्टर साहब 9.5 साल तक कुछ नहीं कर। चलिए आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। जी जी आप बात जी बोलिए, बात पूरी कीजिए सियाग जी। हाँ जी, मैं अब आ रही आवाज, मैं ये बोल रहा था कि 9.5 साल तक आपने खट्टर साहब ने जो फैसले लिए उसको आपने नायब सैनी जी ने पलटने का काम किया, जनता में आपको ये मालूम हो गया कि आप जनता के बीच में नहीं जा सकते इन फैसलों के साथ में, आपने झूठी घोषणाएं की कोई भी लागू नहीं की, आज भी आपने से रोजगार की बात हो, सिर्फ एचकेआरएन का एक जो ठेका पर था आपने गवर्नमेंट ठेकेदार बनकर रह गई, आपने पक्की भर्तियां नहीं की, भर्तियों में एसएससी में कितने बड़े घोटाले हुए सभी जानते हैं, एक तरफ तो बिना पर्ची खर्ची की ये लोग बात करते हैं और एसएससी में एसएससी के टैक्सियां पकड़ी गई, किस तरह के नागर साहब का किस तरह से सारा खुलासा हो, लेकिन इन लोगों ने कोई भी जांच नहीं करवाई, ये जो खामियां का भुगतना पड़ा, चाहे आप डीसी के लिए बात बोल रहे हो कि घोषणा की है, जो इन्होंने क्रीमी लेयर का 8 लाख से 6 लाख रुपए घटाकर किस सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने किया, वो जवाबदेही किसकी है, भाजपा की है, जो नुकसान हुआ स्टूडेंट्स को, युवा वर्ग को, पिछड़ा वर्ग के भाइयों को,
हाँ वो अब फिर से स्टार्ट कर दिया, तो वो कमी किसकी है? कांग्रेस ने 8 लाख किया था, इन्होंने घटा के 6 लाख कर दिया 2015 में क्रीमी लेयर का। तो इन्होंने तो हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया है ज्योति जी। और इन्हें अंदेशा कब हुआ? ये सोचते थे कि आप धर्म जाति के नाम पे किसी तरह जनता को बेवकूफ बना सकते हो। जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, वो जैसे हमारे दीपेंद्र उगा जी कहते हैं, ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ अमित शाह जी को मोदी जी को ये बात मालूम होनी चाहिए, ये किसान कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी है, यहाँ जो आप लोग जनता को गुमराह नहीं कर सकते, यहाँ जाति पाति नहीं चल सकती, धर्म नहीं चल सकता, यहाँ तो आपको जमीनी स्तर पे काम करना होगा। और इन लोगों ठीक है चलिए उत्तर हम लेते हैं रोहिला जी। लगभग रोजाना ये हो रहा था कि सीएम किसी कार्यक्रम में पहुंच रहे थे, नया ऐलान, सीएम कोई प्रेस वार्ता कर रहे थे, नई घोषणा, ये रोजाना नई घोषणाएं हो रही थी, हर एक वर्ग को साधने का प्रयास हो रहा था। विरोधी ये कह रहे चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही थी, एटलीस्ट चुनाव पहले हो रहे हैं तो ये समय तो कम हो जाएगा चुनावी रेवड़ी बांटने का। अपने प्रचार का समय भूल गए, 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब गुहाना में लोगों ने क्या किया था, जबकि ये बताते दोबारा नहीं आने वाले, क्या क्या घोषणाएं की थी लोगों ने, 1000 पेंशन भी तीन के पास, जब हमने सरकार छोड़ दी हमने 3000 करने का काम किया, 1,47,000 पश्चिम बंगाल लोगों ने 1,20,000 जो कच्चे कच्चे में प्रदेश में लिया, 14 फसलें मतलब हम एमएसपी पे देते थे तब हमारी सरकार आई। अब ये फैसला कब लिया, कितना समय हो गया इस फैसले को, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी, 14 फसलों से सभी फसलों पर आना, या सरपंचों की दो शक्तियां बढ़ाई गई हैं, कितना समय हुआ है? ओबीसी की क्रीमी लेयर जो बढ़ाई गई है, बैकलॉग भरने की बातें हैं, कितना समय हुआ है इसे, जो सस्ते आप ले रहे हैं कितना समय हुआ इस फैसले को? ये अभी तो किया, अभी तो किया है ना, टाइमिंग पर तो फिर सवाल है, अभी किया है, अभी चुनाव में जा रहे हैं। ये जो विपक्षी दलों के प्रवक्ता हैं ये दो बातें पूछ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आमजन के जहन में भी है। 9.5 साल का कार्यकाल एक तरफ, 6 महीने का कार्यकाल एक तरफ, जिन मुद्दों और फैसलों को जनता के हित में बताया गया उन्हें अब सरकार की ओर से बदला जाना, तो ये क्या समझा जाए? क्या ये चुनाव को देखकर हो रहा है ज्योति जी, लोकतंत्र में क्या ये चुनाव को देखकर हो रहा है? क्या सरकार कैसे बैकफुट पर आई है? सरकार ने कैसे यूटर्न लिया अपने फैसलों को? सरकार कोई बैकफुट में नहीं, सुधार होते रहते हैं, जहाँ कमी दिखती है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई पोर्टल की कमी थी उसको दूर किया गया है, अगर कोई अन्य कमी थी, ऐप में कोई कमी थी या कोई दिक्कत आ रही थी कहीं, तो उसको ठीक किया जाए। हम इन चीजों को गलत नहीं मानते। सभी कमियां लोकसभा चुनाव से पहले थी हरियाणा में, फिर कौन सी कमियां जो आप कह रहे हैं कि कमियां थी उन्हें हम दूर कर रहे हैं, सुधार होते रहते हैं, तो सुधार अभी हुए हैं? फैमिली आईडी में जहां मुझे पता जहां बोल रहे हैं लोग, फैमिली आईडी में दिक्कत थी, लेकिन उसी फैमिली आईडी में हमने 49 लाख राशन कार्ड बनाने का काम किया, 3.5 लाख नई पेंशन बनाने का काम किया, 70,000 पेंशन तो हमने एक दिन में बनाई थी। ये तो ये लोग तब कहां जा रहे थे? इन लोगों की वजह से लोगों के राशन कार्ड नहीं बनते थे। ये भ्रष्ट लोग हैं, 10-10, 15-15 हजार रुपए लेते हैं पेंशन बनवाने के, इनके कुर्के गांव में इन लोगों ने नेटवर्क खड़ा कर रखे था, और आज भी वही नेटवर्क वो दीपेंद्र उठा लगा लो, भूपेंद्र उठा लगा लो, उनके साथ घूमता है। आप कभी भी देख लेना, इनके साथ ना कोई कार्यकर्ता ना कोई सिर्फ फैन फॉलोअर है, वो चाहे हुड्डा के चाहे दीपेंद्र के है, कार्यकर्ता के नाम पे कांग्रेस का कोई झंडा उठाने वाला नहीं है। नहीं तो मैं तो आपके फैसलों को लेकर सवाल पूछ रही थी ना। सुनिए, अभी अभी कुछ दिन में ओबीसी की क्रीमी लेयर बढ़ाने की बात हो, बैकलॉग भरने की बात हो, महिलाओं को अब सस्ते सिलेंडर दिए जाने की बात हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी, कौशल को लेकर भी जो भी कदम उठाए गए हैं, सरपंचों की शक्ति पावर बढ़ाने को लेकर जहां करप्शन की बातें थी, 21 लाख कर दिया गया बिना टेंडरिंग के, तो क्या ये फीडबैक मिले लोकसभा के बाद कि ये लोग नाराज हैं? अगर इनको नहीं बनाया गया तो मुश्किल हो सकती है विधानसभा में। ज्योति जी, मनोहर लाल खट्टर जी ने जब अपना पद छोड़ा था उसके बाद पत्रकारों ने सवाल पूछा था, आप जैसे जो बड़े पत्रकार हैं, भाई ये नायब सैनी जी का कार्यकाल कैसा रहेगा? तो मनोहर लाल जी ने बड़ी बेबाकी से कहा था कि एक बार चुनाव बीत जाने दो, उसके बाद आपको नायब सैनी का असली रंग दिखेगा। तो रंग क्या होता है कि भाई बच्चों, उन्होंने 24/7 काम किया, आज हजारों लोग सीएम हाउस में मिलते हैं, उनसे अपनी समस्याएं देते हैं, तो ये चीजें दरवाजे खुले हैं इन चीजों के, भाई जहां जहां थोड़ी बहुत ये सीख रही थी भाई, यहाँ इन चीजों में सुधार की गुंजाइश वो की गई है। तो लोकतंत्र में हमेशा संवाद से
सलाह से ये चीजें चलती रहती है। ठीक है गुलिया जी, आप लोग चूंकि मार्च में आप लोगों का गठबंधन टूटा, आप लोगों की राहें अलग हुई बीजेपी से, तब काफी वर्ग जाहिर नाराज रहे होंगे। लोकसभा में दुष्यंत भी कह चुके हैं कि गेहूं के साथ घुन पिसा हमें नुकसान झेलना पड़ा, तो आपको लगता है कि बीजेपी तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल कर चुकी होगी, रूठों को मना चुकी होगी अपने बड़े फैसलों के जरिए? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है और करना भी चाहिए। नहीं आप लोगों को तो वो मौका नहीं मिला ना, फिर आप लोग तो चले गए जब लोग रूठे थे, सरकार ने जहां जहां लगा कि मांगे हैं लोगों की उनको पूरा कर दिया, जहां जहां लोग रूठे हैं उनको मनाने की कोशिश कर ली, बड़े बड़े फैसले लिए, तो इसमें तो बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में होगी ना, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। फायदा हुआ किसको, नुकसान हुआ ज्योति जी, मैं उससे अच्छा मैं नहीं घुसना चाहूंगा, तो ये किस्मत की बात है और राजनीति में सब फायदा लेते भी है, राजनीतिक दल अपना फायदा जो भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा उन्होंने लिया होगा, हम लोग ले पाए नहीं ले पाए वो एक अलग स्थिति है, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि देखिए कि काम को लेकर के राजनीति करती है जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत जी के काम है अब वो कितने अच्छे हैं उसके हिसाब से लोग हमें लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, अब ये तय तो हरियाणा प्रदेश के वासी करेंगे कि भाई किसान के खाते में सीधा पैसा जाना किसान के लिए लाभदायक था कि नहीं था, 33% महिलाओं को राशन के डिपो में कोटे देना ठीक था कि नहीं था, 50% महिलाओं को चुनाव का हक देना ठीक था कि नहीं था, 8% बीसी को चुनाव में भागीदारी देना ठीक था कि नहीं था, ये सारे निर्णय तो लोगों के बीच में जाएंगे, अब ये भी लेकर के जाएंगे, ये क्षमा मांग करके भी, क्षमा मांगने भी लोगों के बीच में जाएंगे कि भाई 5100 का वादा था 5100 पूरी नहीं कर पाए 3100 तक ले जा पाए, ये भी समान लोगों के बीच में मांगने जाएंगे कि भाई 75% का कानून तो हमने बनाया लेकिन वो कोर्ट के अंदर रुका हुआ है, आप मौका दें आशीर्वाद दें वोट के रूप में, प्रयास करेंगे कि उसको भी वहां से पार कराने का काम करेंगे, देखिए जो गलतियां हैं उनकी माफी मांगने भी जाएंगे, जो काम हमारे पूरे नहीं हुए हैं उनकी क्षमा प्रार्थना करने भी लोगों के बीच में जाएंगे, और आगे करने का क्या प्लान है, कितना हमने कर दिया, कितना गुड हम डिलीवर कर पाए वो बताने भी लोगों के बीच में जाएंगे। ये तो ज्योति जी देखिए 5 साल में जनता हिसाब मांगती है, अब हम कितना अच्छा कर पाए अपनी तरफ से बताने का प्रयास करेंगे, जो कमी आ रही है उनकी माफी मांगने भी जाएंगे, तो ये तो हरियाणा प्रदेश के लोकतंत्र की खूबसूरती है, हम बताएंगे सुनाएंगे, निर्णय तो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने लेना है, हमारी जनता ने लेना है जिन्होंने हमें फर्श से अर्श पर ले जाने का काम किया था, अब वो लोग निर्णय लेंगे। लोग पूछेंगे आप लोगों से कि यमुना पार का क्या क्या नारा आप लोगों ने नहीं दिया बीजेपी को लेकर, और 5100 जैसे बड़े वादे आप लोगों ने किए, तो अगर जनता के हित में भी बीजेपी से आप लोगों ने गठबंधन किया जो कि बार बार कहते रहे, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तो आप लोगों के घोषणा पत्र के जो बड़े वादे थे वो तो पूरे हो ही नहीं पाए, तो आपको लगता है कि सरकार के बड़े उपलब्धियों का कोई क्रेडिट जननायक जनता पार्टी को मिल पाएगा चुनाव में? नहीं देखिए, मुझे तो लगता है कि ये किसान के खाते में जो सीधा पैसा जा रहा है ये दुष्यंत जी की सोच थी, लोग इस पर विश्वास भी करेंगे अपना प्यार भी देंगे, अब 5100 की मैंने तो कह दिया आपके टीवी चैनल पे कहा 5100 की माफी मांगने भी लोगों के बीच में जाएंगे कि भाई 5100 का वादा था 5100 पूरी नहीं कर पाए इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, जो 75% हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए कानून बनाया था हमने कानून बनाया था लेकिन कोर्ट में वो ठहर गया रुक गया उसकी क्षमा प्रार्थना करने भी लोगों के बीच में जाएंगे। देखिए ज्योति जी, हम 5 साल के लिए प्लान बना करके चलते हैं और ये पंचवर्षीय योजना भारतवर्ष के अंदर लागू भी है, कई बार पूरी भी होती है लागू पूरी भी नहीं होती, समय सीमा से समय भी बढ़ाना पड़ता है, तो हम तो लोगों के बीच में माफी मांगने भी जाएंगे और वोट मांगने भी जाएंगे, माफी इसलिए मांगने जाएंगे कि जो हमारे वादे अधूरे रह गए उसके लिए माफी भी मांगेंगे और जो वादे हमने किए थे वो पूरे करे उनसे लोगों को ये विश्वास दिलाने भी जाएंगे कि हम काम करने वाले लोग हैं, हमारा नतीजा 0 नहीं रहा, 50% 70% 60% नंबर लाने वाला भी छात्र ठीक छात्र होता है, 75% लाने वाला भी ठीक होता है, तो ये कहेंगे कि हाँ हमारे 60% नंबर आए हैं, उम्मीद तो 90 की थी पर 60 आए हैं, आप लोगों के बीच में दोबारा आपका प्यार और आशीर्वाद लेने आए हैं, आप वो हमें दें और बेहतर करने का काम करेंगे। ठीक है चलिए, सीएम नायब सैनी को सुनते हैं, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नायब सैनी, सुनाते हैं। जा रही है नहीं, देखिए ये चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुनाव थे उसके साथ यहाँ की घोषणा की है और उन्होंने ज्वाइंट जो चुनाव किए हैं हम उसका स्वागत करते हैं
और हमारी पूर्ण तैयारी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमने 10 वर्षों में अगाध काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास की नई गति हरियाणा प्रदेश को बिना भेदभाव के हमने देने का काम किया है, आगे भी इस गति को। रेड साहब, जीत का दावा कर रहे हैं, सीएम हैट्रिक की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं बीजेपी के इस दावे को? हाँ ज्योति जी, देखिए ये चुनाव ही बीजेपी और इनेलो बीएसपी गठबंधन में होने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद जो एक तरह से बिल्कुल ये अपने किस घमंड में आई थी कि हमने 5 सीटें जीती हैं, ये बिल्कुल नकली इनकी जीत थी, इन्होंने एक भी सीट नहीं जीती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो वोट थी राष्ट्रीय पार्टी को मिलनी थी वो, और हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, इसलिए इनको वोट मिली है ये। लेकिन लोकसभा के बजाय विधानसभा का चुनाव अलग प्रकार का चुनाव है, और विधानसभा चुनाव में हमें लगता है कि ये चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीजेपी के बीच में होगा। कांग्रेस पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती। कांग्रेस पार्टी के आप शासन देख लीजिए ज्योति जी, लोग आजकल बड़े समझदार हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, और आप जैसे एंकर बहुत पुरानी पुरानी बातें उठा करके जब जनता के सामने रखते हैं तो उसका विश्लेषण किया जाता है। 10 साल का कांग्रेस पार्टी का शासन, 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन, इनमें तुलना कीजिए, सैकड़ों घोटाले भारतीय जनता पार्टी के, सैकड़ों घपले कांग्रेस पार्टी के, आपकी भी फिंगर टिप के ऊपर है और मेरे भी फिंगर टिप के ऊपर है और जनता के बीच में भी है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का 2005 तक का जो शासन था उसमें एक भी किसी प्रकार का घोटाला आज तक तो पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। इन भाइयों के पास हो तो जरूर बताएं। रो पीट के एक बात करते हैं कि 3206 अध्यापकों को नौकरी लगा दिया, चौटाला साहब की जेल होगी, उनकी जो जेल हुई थी वो किस मामले में हुई थी, सबके सामने कोई घोटाला नहीं, कोई पैसे का लेन देन नहीं, एक षड्यंत्र के तरह तहत जेल हुए वो काट करके आ गए, लेकिन किसी अन्य किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं। शासन प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहता था और लोगों की सुनवाई होती थी, पेड़ों के नीचे बैठकर के, गांव की चौपालों में बैठकर के लोगों की समस्याओं को सुनकर के मौके पर उनका समाधान किया जाता था, अनेकों पॉलिसियां ऐसी लागू करने का काम किया था जो एक मिसाल बनकर के न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भी आज लागू हो रखे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज बनेगा, लगा के चश्मा हाथ ही चलेगा, न रहेगा हाथ का पंजा, ना कमल खिलेगा, अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा और गठबंधन का राज चलेगा। मैं इसलिए कहता हूं कि गठबंधन का ही राज चलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अभी हमारे साथी हमारे छोटे भाई रोहिला जी गिनवा रहे थे, अरे भाई क्या ये 1,20,000 कर्मचारियों का जो अध्यादेश ला करके आए हैं, क्या आपने इनको फाइनल कर दिया है? इतनी सारी ढेर सारी जो डेली की आप रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे थे, आपने पहले क्यों नहीं दी, आप पहले क्यों नहीं दे पाए, आज क्यों दे रहे हो? पब्लिक इस बात को समझती है, तो ये भी डाउनफॉल पर है, कांग्रेस पार्टी भी डाउनफॉल पर है। राइजिंग स्टार हरियाणा का प्रदेश का जो है वो अभय सिंह चौटाला जी बनकर के आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जनता के बीच में जाकर के, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे कर्मचारी आंदोलन हो, चाहे महिला हमारी बाल आंगनवाड़ी वाली थी, चाहे आप एनएचएम का है, चाहे सीएलसी हवा हवाई बातें, ठीक है, आप प्रवक्ता है, आपकी मजबूरियां हैं अपनी, क्या ग्राउंड है आपकी इन बातों का? जिन बाय इलेक्शन से हम देख रहे हैं जमानत जब्त होनी शुरू हुई थी आपकी पार्टी की, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था 2019 में, विधानसभा में क्या हुआ था, केवल एक सीट जीते, इलाहाबाद बाय इलेक्शन में, बाय इलेक्शन की हम बात करें वो भी मार्जिन कम हो गया था, उसके बाद इस बार की लोकसभा की बात करें क्या हाल है वो भी आपके सामने है। आपको लगता है कि रातों रात कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि सिंगल विधायक वाली पार्टी सरकार बना लेगी गठबंधन के तहत? बिल्कुल ज्योति जी, आपने जितनी सारी बातें की मैं इन सभी बातों का स्वागत करता हूं और मानता हूं, क्यों आपने कोई झूठ बात नहीं की, सारी बातें सच्ची बात की हैं। हाँ, मार्जिन कम हुआ इलाहाबाद में हमारा, लेकिन हमारी वोट 10,000 बड़ी थी, इस बात को भी आप साथ कह देते तो मुझे भी खुशी होती कि वोट तो बढ़ी लेकिन मार्जिन कम हुआ। मार्जिन कम क्यों हुआ ज्योति जी? क्योंकि सारी की सारी पार्टियों ने एक चक्कर व्यू बना करके ये फैसला लिया
कि इस इलेक्शन में यदि अभय सिंह चौटाला को आप सभी मिलकर के हरा दोगे तो हमेशा के लिए पार्टी समाप्त हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए जाट लीडर बन जाओगे। इसलिए भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने जाकर के वहां पर यह कहने का काम किया था, भाई गोपाल कांडा भी मेरा मित्र है, इसका भी ख्याल रखना। और कांग्रेस पार्टी जो 38,000 वोट पहले ले गई थी, इस बार उसकी जमानत जब्त क्यों हुई और वो 18,000 वोट कहां गई? तो कोई भी कारण आपने जन नायक जनता पार्टी की लगभग 6,000 वोट थी वहां कहां चली गई थी? किसान आंदोलन को लेकर रिजाइन किया, उसके बाद मार्जिन तो कम हुआ ना। ठीक है, आप जो भी आप लोगों ने इस बात को लेकर होमवर्क किया, कोई ना कोई कारण एक्सक्यूज आप लोगों ने ढूंढा होगा, लेकिन मैं तो जस्ट ये पूछ रही हूँ कि इतना बड़ा क्या चमत्कार या करिश्मा होगा कि केवल एक विधायक वाली पार्टी मुख्यमंत्री देगी हरियाणा को। ठीक है, चर्चा में अभी आगे बढ़ने से आग जी, गुटबाजी एक बहुत बड़ी चुनौती। 2019 में हमने देखा भूपेंद्र हुड्डा टिकट आवंटन को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे, कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा की जितनी चली उसको लेकर लगातार प्रश्न उठे। इस बार के लोकसभा चुनाव में टिकटों को लेकर सैलजा सवाल उठाती रही, तो क्या लगता है कि एकजुट होकर मेरिट के आधार पर कोटा सिस्टम खत्म करके पार्टी टिकट दे पाएगी, मुमकिन हो पाएगा? देखिए ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी का इस बार बहुत पहले से सिस्टम जो चल रहा है कि अभी से प्रक्रिया चल रही है, हर उम्मीदवार के नॉमिनेशन जो कैंडिडेट चर्चशीप ली गई है, 2600 से ज्यादा आवेदन आए हैं, आप उसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रति कितना उत्साह और जोश है जनता में और कार्यकर्ताओं में। तो एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि मेरिट पे जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट मिले, बकायदा सर्वे करवाया जा रहा है, इंटरेक्शन हो रही है उम्मीदवारों के साथ दिल्ली में 1-to-1। तो इस बार पार्टी का सिर्फ एक ये फार्मूला है, जो कैंडिडेट फील्ड में है और जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, उस पे पार्टी दाव खेलेगी। और जहां तक देखिए गुटबाजी की बात, तो अब कांग्रेस में बहुत पुरानी हो गई है, अब तो सबका दे एक ही है, चाहे हुड्डा साहब हो, उदय बांजी की जोड़ी है पूरे प्रदेश में कमाल किए हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी पूरे प्रदेश में, हरियाणा मांगे साहब का जो यात्रा है वो एक जन आंदोलन बन चुकी है, शैलजा जी भी संदेश यात्रा लेकर पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, दीपक बावरिया जी न्याय चौपाल लगा रहे हैं, आज चारों कोनों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं ज्योति जी, और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। और जहां तक देखिए इनेलो जेजेपी या इनका सवाल है, देखिए सपने लेने चाहिए, कोई बुराई नहीं है, जो पार्टी कभी जैसे भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे थी, आज सत्ता में है आदमी देखो, लेकिन आज जनता ने इनको नकार दिया है, क्योंकि इसलिए नकार दिया है क्योंकि जो किसान कमेरा वर्ग की जो पार्टी आज जो है, आज कमेरा वर्ग की जो पार्टी आज जो है, आज हुड्डा साहब उसके बहुत बड़े नेता है, और इन्होंने तो अगर बाय चांस इनकी 1-2 सीट आ भी जाती है, जनता समझती है कि ये सबसे पहले भाजपा को समर्थन देने पहुंचेंगे, तो इसलिए जनता भाजपा के विरोध में है और भाजपा का विकल्प सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और ये दो विचारधाराओं के बीच में इस बार हरियाणा का चुनाव होने जा रहा है। देखिए कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुकाबला रहेगा, अन्य पार्टियां मुझे नहीं लगता उनका मुकाबला नोटा से या उससे भी कम होने जा रहा है, क्योंकि आज देखिए आज अनूप धानक जी जो इनके मंत्री थे उन्होंने भी सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि जो और मैं तो जो हमारे जेजेपी के प्रवक्ता थे इनकी बात का भी स्वागत करता हूं, उन्होंने स्वीकार तो किया है भाई कहीं ना कहीं कमी रही है, जब भी जनता आपको एकदम से आपसे दूर हट रही है, जो आपका जो किसान आंदोलन में और जो भाजपा के साथ जो आपका मिलके सरकार बनाना किसान मजदूर कमेरा वर्ग स्वीकार नहीं कर पा रहा, और वो सिर्फ कांग्रेस ही एक विकल्प है आज हरियाणा में, जनता मन बना चुकी है, जैसे लोकसभा चुनाव में जनता ने दिखा दिया था, आप हर जगह देखिए, चाहे भिवानी लोकसभा सीट है उसमें भी जनता ने बेशक से हम चुनाव थोड़े मार्जिन से हार गए, लेकिन वहां भी जनता ने जो अपना मैसेज है वो दे दिया था कि हम जाति पाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के जो भाजपा को हराएगा कांग्रेस पार्टी का हम साथ देंगे। इसी तरह आप कुरुक्षेत्र में भी देख सकते हैं, हालांकि इनेलो ने प्रयास किया कि भाजपा को फायदा मिले, परंतु ठीक है वो सीट हम लूज करके गठबंधन में, परंतु जनता ने वहां भी संदेश स्पष्ट दे दिया कि थोड़े मार्जिन से बेशक हम लूज करें हो, तो हरियाणा की जनता मन बना चुकी है ज्योति जी। देखिए चलिए हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। रोहिला जी, इस बार का जो चुनाव होगा नायब सिंह सैनी की, मोहनलाल बड़ोली की, तो बहुत बड़ी परीक्षा अपने आप में होगा, क्योंकि संगठन में भी नई नई कमान बड़ोली को सौंपी गई है, सरकार में नई कमान मुखिया के तौर पर नायब सिंह सैनी को कुछ दिन पहले ही दी गई है। जी बिल्कुल चुनौती है,
क्योंकि नया नया काम आया अभी उनके पास, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुख्यमंत्री जी ने तो 5-6 महीने हो गए। लेकिन आप एक बात मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी के ये ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं जो जमीन से उठकर आए हैं, इन्हें पता है कार्यकर्ता से लेकर जनता तक कैसे संवाद करना है। तो ये आप मान के चलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगा इन लोगों के कार्य, जो मेरे साथी विजेंद्र जी ये बड़े सीनियर प्रवक्ता है, मैं तो नया नया बनाऊ, तो इन्होंने कहा कि भाई आपने क्या नौकरियां दी, आपके राज में 16,000 नौकरियां दी थी आप लोगों ने जब आपका राज था। और रेडू साहब आप लोग सुधरने का बिल्कुल वो नहीं समझ रहे, हमें अपने प्रेरणा चाहिए, हमने 1,43,000 दिए तो कहां कंपेयर करोगे आप लोग। और आप लोगों को कहते 3500 है कि आपने खुद स्वीकार किया, और ये जो जेल में जाके आई है तो आजादी की लड़ाई में थोड़ा ना जाके आई है, तो जनता ने तो सब पता 20 साल में पिटी बदल जाती है। तो आप ये मानो आपका मामला नहीं जमने वाला, आप एक सीट है वो भी आपकी जाने वाली है मुझे लगता है जहां तक आपका हिसाब किताब है। और रही कांग्रेस की बात, शैलजा जी से आज किसी पत्रकार ने पूछा कि आपका सीएम फेस कौन होगा, तो उन्हें भी कंफ्यूजन है क्योंकि कांग्रेस क्लियर ही नहीं कर पा रही है किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। एक कलेक्टिव का एक ड्रामा करते हैं, लेकिन इन लोगों का जो आपस में जो गुटबाजी है वो गुटबाजी पूरे हरियाणा ने देखी। अजय सिंह यादव ने क्या कहा कि मैं अपनी टिकट नहीं ले पाया, शैलजा जी अपने अलग सुर में है, रणदीप सुरजेवाला जी कभी इधर कभी उधर, एसआरबी ग्रुप भी बढ़ गया। अब तो ये आप लबल हुआ भी है कि जो कांग्रेस है अपने में ही उलझ गिरा की। अभी अभी दो दिन पहले भव्य बिश्नोई ने क्या कहा वो भी सुना होगा आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भव्य बिश्नोई ने जो कहा वो हमें कोई एतराज नहीं, उन्होंने डिलीट भी कर दिया था उसको। तो डिलीट करने से क्या होता है, डिलीट करने से क्या हो जाएगा, बाइट दी बाकायदा मीडिया में। नहीं उन्होंने वो डिलीट भी कर दिया था, ठीक है। डिलीट करने से क्या दबाव, दबाव में कर दिया गया डिलीट, हमने तो बाइट चला। दबाव क्या था इसमें पार्टी का, उन्होंने फेसबुक से लेकर यूट्यूब पर आप देख सकते हैं भव्य बिश्नोई ने क्या कहा। और गुटबाजी की जहां तक आप बात करते हैं, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने जब चुनाव लड़ा उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया था वो भी आपको याद होगा, भीतरघात को लेकर रणजीत सिंह का बयान भी आपको याद होगा, अरविंद शर्मा ने भी कहा कि खुद हमारे लोगों ने दीपेंद्र के लिए वोट किए, बोगस वोटिंग हुई है। तो इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद भीतरघात या गुटबाजी को लेकर राव इंद्रजीत किस तरह से आंखें दिखा रहे हैं पार्टी को, बहुत अलग स्थिति नहीं आप लोगों की कांग्रेस के साथ। लगातार कह रहे मेरे से जूनियर लोगों को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, जूनियर सांसदों को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, मुझे केवल राज्य मंत्री रखा गया। सर वो ठीक है, वो उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या दिक्कत है उसमें, गुटबाजी कहाँ से। आपके नेता कुछ कह रहे हैं तो वो बात रख रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो गुटबाजी, कमाल कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को न्याय नहीं दिला पाए। अगर हमारी, मैं बताता हूँ ना, आपने हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी ने जो कहा था पार्टी ने उसमें संज्ञान लिया। अच्छा। तो जैसा करेगा भरेगा, उसमें क्या बुराई है। कहाँ किया, किस पे कार्रवाई की थी पार्टी ने, किस पे कार्रवाई की पार्टी ने। अरे कार्रवाई हो चुकी है सर, कहाँ किया संज्ञान, कार्रवाई तो नहीं की ना। भारतीय जनता पार्टी होम्योपैथी दवाई देती है। कौन है, अनुशासन की पार्टी आपकी कहलाती है। भारतीय जनता पार्टी होम्योपैथी की दवाई देती है, लंबाई इलाज। अगर कार्रवाई हो भी गई, ठीक है, पब्लिक डोमेन में तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर हो भी गई तो भीतरघात तो था ना, भीतरघात की वजह से हारे आपके कुछ उम्मीदवार। पार्टी ने संज्ञान ले लिया उसमें, चले ठीक है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह ज्योति जी एकजुट है, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सभी भी आगे गए, नारनौंद भी, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रवास पे हैं, और हमारा 2 दिन का ये प्रवास कार्यक्रम कोई न कोई नेता हर विधानसभा में पहुंचेगा, कल भी चलेगा हमारा ये अभियान। तो हम लोगों को बिल्कुल प्रिपेयर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न थकता है, न रुकता है, न झुकता है। अजय गुलिया जी, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा में जिनका मुकाबला था बीजेपी और कांग्रेस, दोनों के ही दिल्ली से बड़े नेता कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि हरियाणा में एक्टिव होंगे, हरियाणा का रुख करेंगे। आपकी पार्टी के चुनावी कार्यक्रमों से जुड़ी बात करें तो किस तरह से चुनावी तैयारियां हैं, चुनावी कैंपेनिंग को आगे बढ़ाने वाले हैं। नहीं, हमारे पास जनता के बीच में रहने वाला चेहरा दुष्यंत चौटाला है, डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला हमारे हैं, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है, दिग्विजय जी हैं, नैना जी हैं, शीला भ्यान जी हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश दिग्विजय शर्मा जी हैं, और युवा तुर्क है हमारे पास जो जिन्होंने 20-20 साल से लोगों के बीच में रह करके सेवाएं की हैं, जिन युवाओं को पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़वाया है, पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़वाए हैं, हमारे तो वही स्टार प्रचारक हैं, वही स्टार प्रचारक लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। डबवाली से दिग्विजय लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी के तो बड़े नेता हैं, जिन बाय इलेक्शन में अच्छा चुनाव हालांकि लड़ा, हारे, सोनीपत से लोकसभा लड़ा, हारे, इस बार डबवाली से क्या उम्मीद कर रहे हैं।
नहीं, ये तो पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी तय करेगी। पार्टी तो डिसाइड कर चुकी है, चुनाव लड़ रहे हैं, डबवाली की जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं ज्योति जी जब मानता हूँ जो पार्टी की तरफ से ऑफिशियल टिकट उनको दे दिया जाएगा, और मैं मानता हूँ डबवाली उनकी, और वो डबवाली के लोग प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। गुलिया जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह चुके हैं डबवाली से दिग्विजय लड़ेंगे, उचाना से दुष्यंत लड़ेंगे, अमरजीत ढांडा एक बार फिर से लड़ने जा रहे हैं, साथ ही राजदीप फोगाट चरखी दादरी से चुनाव लड़ेंगे। चार लोगों के नाम ले चुके हैं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसमें ऐसा आप क्या है पार्टी डिसाइड करेगी? नहीं, मैं ऐलान हो चुका है। नहीं, मैं तो अभी ज्योति जी अभी भी कह रहा हूँ, देखिए मैं तो ये मानता हूँ दिग्विजय जी डबवाली में काम कर रहे हैं, लोग बीच में रहते हैं, रोज के उनके कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन किंतु अंतिम निर्णय जब पार्टी की तरफ से ऑफिशियल रूप से टिकट दे दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप ये मान रहे हैं क्या हो सकता है डबवाली से दिग्विजय ना लड़े या टिकट ना मिले उन्हें? नहीं, राजनीति संभावना का खेल है, राजनीति में संभावना का खेल है, और मैं मानता हूँ मैं जिन जिन को टिकट के लिए अनाउंस किया है बहुत बढ़िया शुभकामनाएं, और भी राजनीतिक दलों ने करे हैं। आप तो संशय की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि दिग्विजय डबवाली से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं, अजय गुलिया ये कह रहे हैं डिबेट में टिकट मिल जाए तभी मानना कि लड़ेंगे। नियम और कायदे की बात कर रहा हूँ, नियम और कायदे तब होते हैं जब पार्टी का ऑफिशियल टिकट उनके पास होगा, हो सकता है स्वयं वो निर्णय ले। राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात को आप मानते ही नहीं? ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात को गंभीरता से ना लें हम। ये बिल्कुल गंभीरता से लेता हूँ, लेकिन वो स्वयं आकर के कहें मैं पार्टी के लिए सारे समूचे प्रदेश में प्रचार करूंगा, तो मेरे जगह एमओ का किसी युवा को दिया जाए, किसी और बच्चे को दिया जाए, तो सोच है सब की, यहाँ परिवार है, परिवार में बैठ करके सब निर्णय लेते हैं, और उसके बाद जो भी कैंडिडेट पार्टी के होंगे प्रत्येक कार्यकर्ता उसके लिए काम करेगा, तन मन धन से उसका उसको जिताने का काम करेगा। ठीक है रेड्डी साहब, लास्ट कमेंट आपका। हाँ ज्योति जी, देखिए अभी हमारे ये रोहिला साहब कह रहे थे कि वो कहीं स्वतंत्रता आंदोलन के संग्राम में नहीं गए, भाई वो नहीं गए, लेकिन उन्होंने कोई गलत काम भी नहीं किया था, उन्होंने किसी कोई ऐसा काम नहीं किया था जो समाज के सामने कहा ना जा सके, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टियों के ऐसे नेता हैं जिनका नाम लेते हुए भी हमें शर्म महसूस होती है। जेबीटी से भारतीय घोटाला मामले में सजा पूरी हो चुकी है, आय से अधिक संपत्ति मामले में भी सजा हुई है, आप ये भी जानते हैं। आय से, ज्योति जी, आय से अधिक संपत्ति का मामला ऐसा है, यदि आपकी इंक्वायरी आ जाए तो आप भी उसमें आय से अधिक संपत्ति में आ जाओगे, अगर सरकार लाना चाहे तो, किसी भी व्यक्ति को यदि आप पहुंचाओ तो उसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति, अदालत ने सजा सुनाई है, जा सकता है ये कोई ऐसा, हाँ नहीं सजा कहाँ सुनाई है, अभी वो अंडर ट्रायल चल रहा है, फैसला हो जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के राव साल की सजा 50 लाख रूपए का जुर्माना, कांग्रेस के रावदान सिंह के पास कितना धन मिला, कांग्रेस के रावदान सिंह के पास कितना मिला, सुरेंद्र पवार के साथ पास कितना मिला है, और आप अन्य नेताओं को यदि पकड़ोगे तो देखना किसके पास क्या क्या मिलेगा। अभय सिंह चौटाला और तो जो ना इनके कहीं पासक भी नहीं है, जितना धन माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना जोड़ करके रखा, कितनी लूट मचाने का काम किया था, सीएलयू के कितने पैसे लेते थे, ये एक बात है कि षड्यंत्र के तहत एक व्यक्ति को जो ना उलझाने का काम किया गया है, अदरवाइज ऐसा कोई मामला नहीं है। दूसरी बात ये साथी कह रहे हैं कि इनकी शायद एक भी ना रहेगी, भाई रोहिला साहब आपका तो कहना यही बनता है कि हमारी एक भी ना रहे तभी आपको फायदा है, लेकिन जब आप ये देखोगे अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर आप कहोगे हाँ रेडू साहब आप ठीक कहा करते थे, इसमें कोई आपको संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी भी जन विरोधी नीतियां, आप हमारे छोटे भाई, आप अपनी हरीजे के ऊपर हाथ रख करके ईमानदारी से बताने का काम करें, क्या आपने शिक्षा के माहौल को बिगाड़ने का काम नहीं किया, क्या आज हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का दिन प्रतिदिन सतर गिर नहीं रहा है, आपको शर्म आने चाहिए सरकार को कि महिलाओं के शौचालय तक स्कूलों में ये नहीं दे पा रहे हैं, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, और जो है ना वहां पर अध्यापक नहीं है, 800 स्कूल हरियाणा प्रदेश के ऐसे हैं ज्योति जी जहां एक भी अध्यापक नहीं है, कितनी बड़ी शर्म की बात है, और लगभग ये मान लो 850 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल मात्र एक ही स्कूल है, स्कूलों में प्रिंसिपल मुख्य अध्यापक नहीं है, 50% से ज्यादा स्टाफ खाली, शिक्षा का स्वास्थ्य का हाल इतना बुरा कर रखा है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं है,
कोई जो ना फैसिलिटी नहीं है, इवन अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है बहुत सारे हॉस्पिटलों में। 71 गवर्नमेंट हॉस्पिटल हरियाणा प्रदेश में, 65 में अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है। एक हॉस्पिटल ऐसा बता दो हरियाणा प्रदेश का 10 साल में आपने जो परिपूर्ण करने का काम किया हो कि उस हॉस्पिटल में जाइए वहाँ हर सुविधा आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी। हाँ, ये कई मुद्दे हैं जिनसे जनता आपका हौसला को परेशान होना पड़ रहा है, दो चार होना पड़ रहा है। देखना ये जनता किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट करती है, किस तरह की कैंपेनिंग तमाम दलों की ओर से की जाती है, किस तरह का माहौल आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आप चारों का वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा में चुनावी शंखनाद हो चुका है, तमाम दलों की दावेदारियों को लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।